हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेड प्लस अगेन। मैं हूँ आपकी मेंटोर अंकिता मैम। मैन आई एम हियर अगेन विद द लेक्चर 4 ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लेक्चर 4 विल इंक्लूड लीफ, लीफ में वेनेशन, फिलोटैक्सी, टाइप्स ऑफ लीफ एंड इनफ्लोरेसेंस ऑल्सो। तो लेट गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन पार्ट। लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया, रूट लीफ और रूट, आधा लीफ और स्टेम, उससे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलो, द स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज क्या? फिलोक्लेड्स। क्लेडोड क्यों नहीं? क्योंकि फ्लैट लिखा हुआ है, ठीक है, सिलेंड्रिकल, ये फ्लैट लिखा हुआ है। क्लेडो ये क्या होते हैं? वो सिलेंड्रिकल होते हैं, फ्लैशी, फ्लैशी सिलेंड्रिकल होते हैं और ये फ्लैट होते हैं, ठीक है। उसके बाद लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, हम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखो, अभी पढ़ेंगे। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन एंड अपंचिया। अपंचिया में दो मॉडिफिकेशन है, स्टेम में भी और लीफ में भी। स्टेम क्या बन गई है? स्टेम लीफ वाला काम कर रही है और लीफ जो है वो स्पाइन्स बन गए। केबीसी का सवाल था ये, पता है, बहुत रिसेंटली, कौन बनेगा करोड़पति। तो ये कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि अपंचिया एक एग्जांपल है जिसमें क्या होता है, जो स्टेम स्टेम होती है वो क्या बन जाती है, लीफ वाला काम करने लगती है, मतलब फोटोसिंथेसिस करने लगती है, और लीफ में क्या हो जाते हैं, लीव्स क्या बन जाते हैं, स्पाइंस। देखा भी होगा तुम लोगों ने, ये जो हम इवन कैक्टस अपंचिया एक ही साथ के लोग हैं, इसमें जो ये स्ट्रक्चर निकला होता है कैक्टस में वो लीफ है, और ये जो ये स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टेम। हाँ, तो अपंचिया और कैक्टस एक ही फैमिली के लोग हैं। हाँ, चलो, वेन्स ऑफ द लीव्स आर यूजफुल फॉर, वेन्स का काम क्या है जल्दी से बता दो, मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑल ऑफ दी, सारा काम करते हैं वेन्स। नेक्स्ट इज वाटर इज अब्सॉर्ब बाय, लास्ट वाला भी देख लेते क्या है, रूट लिखा है बस, तो ज्यादा अच्छा आंसर रूट हेयर्स है। ओके, नेक्स्ट, रूट दैट डेवलप फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड एज वाग में, वेरी गुड, एडवेंटिशियस रूट। सिक्स्थ, नेमेटोफोर्स अकर इन प्लांट ऑफ, कहाँ पे होता है वो, स्वैम्पी एरिया या मार्शी एरिया, इसको स्वैम्पी भी कहते हैं और मार्शी भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। मॉडिफिकेशन फॉर, किस चीज के लिए था ये, खाने के लिए, ठीक है, हाँ, स्टोरेज ऑफ फूड। फिलोटैक्सी क्या होता है, फिलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, अभी पढ़ेंगे। ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, टर्मरिक को तुम स्टेम क्यों कह सकते हो? पहले टर्मरिक को एक बार याद कर लेते हैं, टर्मरिक क्या था, किस टाइप का, राइजोम। टर्मरिक राइजोम था, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम में, ठीक है। क्यों हम उसको कह सकते हैं स्टेम, क्या वो पैरेलल होता है सॉइल के? नहीं यार, वो तो अंडरग्राउंड होता है। नो, इट स्टोर फूड मटेरियल, ठीक है, हाँ वो फूड मटेरियल स्टोर करता है, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि वो स्टेम है, वो तो रूट्स भी करते हैं और लीव्स भी करते हैं। क्लोरोफिल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, लीफ में नोड्स इंटरनोड्स होते नहीं है, रूट्स में नोड्स इंटरनोड्स होते नहीं है, तो आंसर विल बी दिस, ठीक, उसको हम स्टेम इसीलिए कहते हैं। ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, ऐसे ही मैंने जानबूझ के सवाल रखा था क्योंकि मुझे तुम लोगों को ये बताना भी था। फोर्थ इज इकॉर्निया, इन्होंने पूछा है कि रूट पॉकेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तुम लोगों को याद है जब हम लोग रूट कैप पढ़े, तो रूट कैप में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रूट कैप्स आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स एंड एपीफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स लोग जो पानी में रहते हैं, एपीफाइट्स लोग जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं। तो जो हमारे पानी वाले प्लांट होते हैं ना, उनके पास वाटर रूट कैप की जगह रूट पॉकेट प्रेजेंट होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि उनकी रूट नीचे से एकदम खाली होती है, कुछ नहीं होता है, वहां पे रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट। तो इसको एड ऑन करोगे, इकॉर्निया इसका आंसर होगा, कि यहाँ पे लिखो अपने नोट्स में कहीं पे ऊपर स्टार बना के कि रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट्स, एपीफाइट्स में नहीं प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है। रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट इन
ये शायद थोड़ा पुराना है, एग्जैक्टली डेट ईयर के साथ तो नहीं आता, लेकिन हाँ आया है रूट पॉकेट पे क्वेश्चन, थोड़ा पुराना है क्योंकि नीट वाले अवॉइड करेंगे उसको पूछना, क्योंकि बिल्कुल सवाल जवाब खत्म हो गए। हेडिंग डालोगे वेनेशन, वेनेशन क्या होता है? वेनेशन जो वीन और वेलिस थे उन्हीं को, जो अरेंजमेंट होता है उनका लीफ पे उनको हम कहते हैं वेनेशन। देखो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेलिट्स, ग्रुशन नहीं आई, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेलिट्स अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेलेट्स ऑन द लीफ लैमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज लीफ ब्लेड और एपिपोडियम, ऑन द लीफ लैमिना इज कॉल्ड एज वेनेशन। ठीक, जो हमारी पत्ती बनी थी कल, ये इस पे जो वेन्स और वेलेट्स के अरेंजमेंट होते हैं, ये पत्ती देखी होगी, पीपल के पत्ती पे बहुत नेटवर्क लाइक का स्ट्रक्चर बना रहता है, फिर बनाना की अगर तुम लीव देखो तो उस पर पैरेलल सा स्ट्रक्चर होता है, इसी दो तरीके के मेनली क्या होते हैं वेनेशन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन, लिख लो, देर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन, फर्स्ट इज रेटिकुलेट एंड द सेकेंड इज पैरेलल। जैसा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि हमारे मॉर्फोलॉजी में इस साइड की चीजें डाइकॉट्स होंगी और इस साइड की चीजें मोनोकॉट्स। क्या आया था पहले यहाँ पे? टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम या रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में पाया जाता है, एडवेंटिशियस रूट या फिर पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन में लिखो द वेन्स एंड वेनलेट्स, द वेन एंड वेनलेट्स forms a web like structure on the leaf, एक web like structure बना लेते हैं वो लोग form, और एक network बना लेते हैं। यहां पे क्या लिखोगे? द वेन इन वेलेट्स अराइजेस फ्रॉम द मिडरिब, जैसे ये हमारा पत्ता है कोई भी, केले का पत्ता बना रही हूँ मैं, ठीक, ये रही हमारी मिडरिब, ठीक, उसमें जो वेन्स और वेलेट्स है वो मिडरिब से निकलती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है थ्रू आउट, देखा होगा केले के पत्ते में बहुत कॉमनली, तो उनकी वेलेट्स ऐसे होती है, वेन्स और वेलेट्स अराइजेस, इट लिखो यहाँ पे वेन्स एंड वेलेट्स अराइजेस फ्रॉम द मिडरिब एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये लोग, देखा होगा तुमने, एग्जाम्पल्स डाइकॉट्स मोनोकॉट्स।
जा रही है और मेरी कांस्टेंट है अकेले रह के इंसान करेगा क्या? मैं बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में शादी? चलो एक बार वेनेशन देख लो। देखो ये कौन सा वेनेशन है वाग्मी, रेटिकुलेट है या फिर पैरेलल? देखो इस फोटो में एक चीज सीखने को भी मिल रही है, ये तो रेटिकुलेट दिख रहा है ठीक है, कि वेन्स है ये हमारी मिडरिब है, ये वेन्स है, छोटी छोटी वेनलेट्स हैं। इसमें देखो ये वाला जो पत्ता है वो ऐसे वाला नहीं है, देख रहे हो ये ऐसे, लेकिन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो द थिंग इज दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर ठीक है। और यहाँ पे वेब लाइक नेटवर्क बनाएंगे, आगे चलते हैं, आगे हेडिंग डालो, बहुत हो गया करवा चौथ। फिलोटेक्स, गुलशा को आना चाहिए यार, क्यों क्लासेस छोड़ते हैं यार ये लोग। व्हाट इज फिलोटैक्सी? खुशी, खुशी नहीं याद है, खुशी ठीक है, वेरी गुड। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांच इज कॉल्ड एज फिलोटैक्सी। It can be of how many types? It can be of so many types, हाँ, but mainly of three types, yes. तीन तरीके की फिलोटैक्सी मिलेंगे अपने को, नाम भी बता दो जल्दी से। Alternate opposite of wall. Alternate opposite or wall फिलोटैक्सी। कट करूंगी। ऑल्टरनेट ऑपोजिट और वर्ल्ड ठीक है, सबको डिफरेंस पता है थोड़ा थोड़ा? वाग्मी याद है कुछ कुछ? ठीक, कोई बात नहीं। देखो ऑल्टरनेट में क्या होता है, ये स्टेम है, ये सब की स्टेम है। ऑल्टरनेट में क्या होगा, जो लीव्स निकलेंगी नोट से वो कैसी होंगी, या फिर अगर हम ऐसे, बिल्कुल ऐसे बोले तो एक नोट पे सिर्फ एक लीफ होगी। लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नोट से। एक नोट पे एक ही लीफ होगी। यहाँ पे ऑपोजिट में क्या होगा, एक नोट पे दो लीफ होंगी, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर तो एक इधर ठीक। ये नोट हो गया, एक इधर एक इधर। और लास्ट बचाइए, इसमें क्या होगा सर? हाँ, एक ही नोट पे बहुत सारी लीव्स होंगी। गुच्छा बनाया उन्होंने। थोड़ी सी कहानी भी लिखेंगे इसमें, ऑल्टरनेट में लिखेंगे। सिंपली वन लीव at yes, बाग में यहां पे कितनी लीफ है एक नोट पे? yes, two leaves at one node, इधर more than two, लिख भी सकते हो leaves forms a wall and more than two leaves on one node. और यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा चाइना रोज का, तो बहुत ही मतलब हाथ जोड़ते हुए उसका वेलकम करते हैं मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि वो परेशान करते हैं, राहु होता है ना वैसे ही। चलो एग्जाम्पल पे आ जाओ, ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल।
यस द चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, तीन एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के। शंकर सर कौन से स्कूल में पढ़े हैं? ठीक है, ये वही है। ठीक है, हाँ सर का स्कूल कौन से फिल्म टैक्सी में है? सीएमएस। ठीक है, याद रखना, याद रहेगा। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। ठीक है, उसके बाद ऑपोजिट, ऑपोजिट यार याद होगा, अमरूद में होता है ये। अमरूद का तो सबने पेड़ देखा है, अगर ध्यान से याद करो तो अमरूद में होता है ये। और कोलोकेशिया, एल्स्टोनिया तो इधर है, ऑसिमम तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। ऑसिमम मतलब तुलसी, तुलसी में भी ऑपोजिट फिलो, अगर तुलसी, बिल्कुल। कैलोट्रॉपिस, मदार का पेड़ देखा है, उसमें भी ऐसे ऐसे लीव्स होते हैं, तुलसी में भी होते हैं। अपने को दो एग्जाम्पल याद करने हैं, गुआवा और कैलोट्रॉपिस। कैलोट्रॉपिस वो वाला पेड़ जिसपे ग्रेजिंग नहीं करते एनिमल्स, क्योंकि वो क्या रिलीज करता है, एक पॉइजन रिलीज करता है। जो किस चीज का पॉइजन होता है हमारी बॉडी में? कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है वो, बिल्कुल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसका एक एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। याद रहेगा ये सब एग्जाम्पल। एल्स्टोनिया क्या होता है एग्जैक्टली, कौन सा पेड़ है तो मुझे नहीं पता, मैं अभी तुम्हें दिखा देती हूँ खोल के। तो होगा घर का ही होगा, लेकिन इतना सुंदर नाम है उसका। पार्क में गए हो? पार्क में घूमने गए, पार्क में घूमने गए तो एक पर्टिकुलर टाइप का पेड़ होता है हर हर पार्क में, बस ये वही पेड़ है। क्या है भाई, देखो ये पेड़ देखा पार्क में कभी? ये वही है। हाँ यार, ये वॉल्ड होती है इसकी फिलोटैक्सी, याद करो, ये टूटता है, नीचे गिरा रहता है बेंच के आसपास। मैंने भी तो यही बोला। होता है यार, वो भी होता है, एलोट्रॉपिस भी होता है पार्क्स में। क्या नाम है हिंदी में एल्स्टोनिया का? चित्तौड़। चित्तौड़, चित्तौड़ तो जगह का नाम है क्या? ठीक, ये लिख लिया। ठीक है, हाँ दिक्कत हो जाएगी। एनिमल्स का सिस्टम, इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम में डिफरेंस है क्या? वेरी गुड, तुम्हारी तो हिंदी भी स्ट्रांग है। सप्त डैश 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 डैश, सात उसमें पत्तियां होते हैं। चलो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लीव्स, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। तुमने बोल क्या लगा था? मैं पूरा डायलॉग बोल दूंगी यहाँ पे कैमरे पर। चलो टाइप्स ऑफ लीव्स, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ, तो लगता है अपने में खुश रहती है लाइफ में। पहले टाइप्स तो पढ़ ले, कितने तरीके की लीप होती है बेटा? बिल्कुल, सबसे पहली लीप होती है सिंपल लीप, सिंपल लीफ। और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस सिर्फ ये है, पहले समझा दूं,
ये जो लीफ होती है, बचपन में तुम लोगों ने एक पर्टिकुलर लीफ बनाई होगी, मैंने तो बनाई थी क्योंकि मुझे आता नहीं था बनाने, ऐसे 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 बनाए हो ना, खासकर वो गुलाब का पत्ता। ठीक है, मुझे मैं एक तरफ का ही बना पाती थी, दूसरी तरफ का मुझसे नहीं बनता था। बेसिकली ये जो चीजें होती है ना, इनको कहते हैं इन सीजन। ठीक, अभी बस जानो, इनको कहते हैं इन सीजन, मतलब कोई भी चीज कटी कटी सी होती है, मतलब उसमें इन सीजन है। तो ये इसका लामिना है, लामिना में इन सीजन है, लेकिन वो इन सीजन अगर मिड रिब को टच नहीं करते हैं तो ये सिंपल लीफ है। ठीक, कुछ लीव होती है, जैसे नीम का पत्ता देखा है सबने, इमली का पत्ता देखा है, इमली के पत्ते में देखिए, इमली का पत्ता ऐसा होता है ना, क्या होता है उसमें, यही जो इनसीजन है ना, ये डिवाइड कर देते पूरी लीफ को। तो सिंपल समझ रहे हो, ये लीफ कुछ ऐसी थी, मतलब ऐसे समझो कि लीफ ऐसी थी, और ये इनसीजन जो है अंदर जाके इसको डिवाइड करके छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गए। तो सिंपल और कंपाउंड लीफ में बेसिक एक डिफरेंस है कि इसमें जो लामिना होता है वो कभी भी अगर इनसाइज है, कटा हुआ है, या तो यार इनसाइज होगा ही नहीं, सिंपल लीफ है नॉर्मल, जैसे भी एल्स्टोनिया में देखा हम लोगों ने, फिर कोई इनसीजन नहीं था। सिंपल लीफ में क्या होगा, अगर इनसीजन प्रेजेंट भी है तो वो कभी भी मिडरिप को नहीं टच करेंगे, ये जो इसकी मेन मिडरिप थी उसको कभी टच नहीं करेंगे। कंपाउंड में क्या होता है, वो लोग टच, छोड़ो वो टच भी करते हैं, छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड भी हो जाते हैं। ठीक, तो सिंपल लीफ लिखो सबसे पहले कि इन दिस टाइप ऑफ लीफ इन दिस टाइप ऑफ लीफ द लैमिना नेवर टच द मिडरिब एंड इफ इंसिडेंस इज प्रेजेंट देन दे ऑल्सो नेवर टच द मिडरिब। इसीलिए ये लीफ सिंपल लीफ कहलाती है। लिखो मैंने लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ लीफ द लैमिना नेवर टच द मिडरिब, ये जो लीफ लैमिना है ये वाला पार्ट, ठीक, ये कभी भी इसको टच नहीं करता मिडरिब को, और नॉर्मली ये तो नॉर्मल हो गया। अगर इसमें इंसिजन्स भी प्रेजेंट है, दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा है कि अगर इसमें इंसिजन्स भी प्रेजेंट है एंड इफ इंसिजन्स इज प्रेजेंट देन ऑल्सो दे नेवर टच द मिडरिब। ठीक है, ये इंसिजन्स कभी भी इतने नहीं होते हैं कि मिडरिब को आके टच कर दे सिंपल लीफ में, और अगर टच कर गए तो फिर हमने उसको कंपाउंड लीफ में डाल दिया है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में भी लिख सकती हो अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, दो एग्जाम्पल लो, बिल्कुल रोज लिख सकते हो, मैंगो लिखो रोज लिखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा इसके क्या ऑपोजिट आ जाएगा, कंपाउंड लीफ। दूसरा लिखो कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ में हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ लीफ द लैमिना इज डिवाइडेड कंप्लीटली इनटू लीफलेट्स। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है लीफलेट, ये याद रखो, और जो मिडरिप थी जिसका नाम पहले मिडरिप था उसका यहाँ पे नाम भी बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रांचेस। इमली के पेड़ को ही देख लेते हैं, मतलब पत्ते को,
इमली, चलो ठीक है नीम भी देख लिया। ये छोटे छोटे लीफलेट्स हैं, ये येलो वाली पहले मिडरिब हुआ करती थी जब सिंपल लीफ थी, ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं चैप्टर में कि वो मिडरिब थी, लेकिन अब अगर कंपाउंड लीफ बना दिया इसने तो यही बीच वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, ब्रांचेस, ठीक है। तो यहां पे एड ऑन करोगे कि द लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड एज ब्रांचेस, अरेंज्ड ऑन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड एज ब्रांचेस व्हिच रिप्रेजेंट्स द मिडरिब, व्हिच रिप्रेजेंट्स द मिडरिब। लास्ट वाली लाइन तुमको याद करा देगी कि वो पहले मिडरिब हुआ करती थी, लेकिन अब इस केस में वो कंपाउंड लीफ में क्या बन गई है, क्या बन गई वाग्नि, ब्रांचेस, कुछ नए नए टर्म्स उसमें याद रखने हैं हम लोगों को, लीफलेट्स और ब्रांचेस कंपाउंड लीफ में। उसके बाद एक चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट भी है, जो कंफ्यूज भी कर सकती है, जिसे मैं चलो तुमसे पूछ ही लेती हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है, जैसे खुशी तुम बताओ, हम लोगों ने बर्ड्स पढ़े थे, बर्ड एब्सेंट थी अंशिका, बर्ड पढ़ा था हम लोगों ने। बर्ड दो तरह के होते हैं, एक एक्सिलरी एक टर्मिनल, एक टर्मिनल और एक एक्सिलरी, याद है, ठीक है। तो इसमें एक चीज लिखी हुई है कि इन दोनों टाइप ऑफ लीफ में बड होगा या नहीं, वेरी गुड, तो हैशटैग लगा के लिख लो कि बर्ड्स कैन बी प्रेजेंट इन बोथ। बस यही कंफ्यूजन होगी कि पता नहीं क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि जो बर्ड होगा वो सिंपल लीफ में होगा लेकिन कंपाउंड लीफ में नहीं होगा, बिल्कुल। तो हैशटैग करके आईपीएल लिख लो, इंपॉर्टेंट लाइन इज कि बर्ड कैन बी प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ बोथ टाइप ऑफ लीफ, बोथ टाइप ऑफ लीफ, बट एक और चीज, जो लीफलेट्स बनी है, लीफलेट्स, लीफलेट्स याद आई, बट्स लीफ के एक्सेल में हो सकते हैं लेकिन लीफलेट्स के एक्सेल में कभी नहीं होंगे, ठीक है, बट नेवर प्रेजेंट इन दी एक्सेल ऑफ लीफलेट्स। ये एक ध्यान रखने वाली चीज है जो थोड़ी सी गलत हो सकती है आते हुए भी, ठीक है। रोशन मेरे घर पे कारपेंटर काम कर रहा है, उसका नाम इस समय रोशन है, बड़ी याद आ जाती है उसकी, उससे बात करती हूँ तो मम्मी, जैसे मैं कहती हूँ भैया भैया भैया, मम्मी कहती रोशन, ठीक को क्या पता उसका नाम होगा, तुमसे कहना रवि है, तुम्हारा कहाँ है, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हारा तो रोशन है, आर फॉर रोशन, आर फॉर रैचेस, राना यार तुम ये क्लास कैसे मिस कर दी थी जिसमें पहले साइड थी, रोशन तुम पहले की क्लास कैसे मिस कर दी, रोशन क्या नाम फेलिस रखा गया था, और पता है इन लोगों को ऐसा लगता था, दिखाना इन लोगों को ऐसे करके हाथ दिखाओ पलटो, जैसे ग्रुशा को उसका हाथ डिक्टियोटा जैसा लगता था, याद है एक एल्गी था डिक्टियोटा, ऐसे ऐसे उसके स्ट्रक्चर थे, ऐसे ऐसे उसके स्ट्रक्चर था इसका हाथ सबको डिक्टियोटा जैसा लगता था, रीजन नहीं जानती मैं। चलो
एक बात ये लिख ली, अब लिखो कंपाउंड लीव भी दो तरीके की हो सकती है रोशन, कंपाउंड लीव्स कैन बी ऑफ टू टाइप। सिंपल लीव बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल हमें परेशान नहीं करती, कुछ नहीं याद करना है उसमें, लेकिन कंपाउंड लीव कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी? यस, पिनेटली कंपाउंड लीव, और पामेटली कंपाउंड लीव। खुशी, पाम का मतलब जानती हो? पाम, बाग में पाम, पाम PALM, यही तो है पाम, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे थे तुम लोग, यही पाम। हाँ ऐसी होती है लीव भी, पाम जैसी मतलब हाथ जैसी नहीं, हाँ हाथ जैसी कह लो। एक स्ट्रक्चर है, एक कॉमन पॉइंट होगा जिससे बहुत सारे, जैसे ये हमारा एक कॉमन पॉइंट है, या फिर ये कॉमन पॉइंट है जिसे पांच उंगलियां लगी हुई हैं, वैसे यह कॉमन पॉइंट है जिससे बहुत सारी लीव्स लगी होंगी। ठीक, तो अगर कंपा, और ये सब क्या है, ये लीव्स क्या है? दे आर लीफलेट्स नॉट लीफ, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम कंपाउंड लीफ पढ़ रहे हैं, तो दे आर लीफलेट्स। और अभी हम लोगों ने जैसे नीम बनाया, ठीक है, और इमली है, उन सब के जो हम लोगों ने पढ़े थे पत्ते, वो कौन थे? वो पिनेटली कंपाउंड, मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में वो टूट जाते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स क्या है? खुशी, ये क्या है खुशी? लीफलेट्स। हाँ, और ये पिंक वाला स्ट्रक्चर क्या है खुशी? ब्रांचेस, वेरी गुड। ये क्या है, ये व्हाइट वाला स्ट्रक्चर? एनीवन? मिडरिब, ये कॉमन पॉइंट में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दिस व्हाइट वाला स्ट्रक्चर इज पीटीओल। यस, ये पीटीओल है, वापस आए पीटीओल में। पीटीओल क्या था? लीव बेस पीटीओल और फिर लैमिना। यहाँ पे पीटीओल तक तो चीजें ठीक है, लेकिन बाकी पूरी लीफ छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गई है। इसको बनाओ, फिर इसका डेफिनेशन लिखते हैं। और एक और चीज, पामेटी कंपाउंड लीफ में रैचेस दिख रहा है क्या कहीं? तो रैचेस इज एब्सेंट हियर, पहले बना लो। यहां पे वही चीज रिपीट कर सकते हो कि लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ब्रांचेस। और याद करने और समझने वाली चीज यहाँ पे कि रैचेस इज एब्सेंट एंड ऑल द लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ कॉमन पॉइंट प्रेजेंट ऑन द पेटियोल, वेरी गुड। ठीक है, रैचेस इज एब्सेंट and all the leaflets are present in a common point of petiole. एब्सेंट नहीं होना चाहिए यार, वेरी बैड। सैटरडे को टेस्ट है, ध्यान से देना। खुशी तुम भी ग्रोथ करो अब सारे नंबर्स में, खुशी वाग्मी एवरीवन, और प्लीज टेस्ट मत छोड़ो। कौन सा रीजन? हाँ हाँ
बताओ किसकी बात कर रही हो, करंट करंट मतलब फ्लो ऑफ करंट, या फिर वो पूरे मैग्नेटिज्म में सर्कुलर कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड मी नॉट आई अपॉन 2 R, उसके ये वाला पोर्शन से सवाल पता नहीं क्यों पूछते हैं, तब उसमें क्या करते हैं टाइम पीरियड और ओमेगा को घुमा देते हैं, जैसे म्यू नॉट आई अपॉन 2 R होता है फॉर्मूला, तो टी आई को टी के टर्म में भी लिखा जा सकता है, कैसे क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, और ऐसे करके ये वाली चीज मतलब सर्कुलर कॉइल के अराउंड घूमेगा एक, उसके बाद जो वायर होता है वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो तो पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके बाद फॉर्मूला में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज है कि दो हमारे पैरेलल वायर्स हैं, उसमें कभी करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है कभी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, एक ये वाला पार्ट, उससे भी इम्पोर्टेंट बात एक जो एक ये वाला पार्ट होता था कि एक वायर है वो वायर सॉलिड भी हो सकता है हॉलो भी हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन का ग्राफ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ठीक है आर डिस्टेंस पे कितनी है और बाहर कितनी है, इससे ग्राफ बना हुआ है वो, उसके बाद हमेशा की तरह मतलब फेवरेट इज सोलेनोइड, और अगर सोलेनोइड पढ़ रहे हो तो टोरॉइड का फॉर्मूला भी देख ही लोगे, ठीक है सोलेनोइड है उसके एंड पे उसके एंड पे मिड पॉइंट पे वो ये इम्पोर्टेंट है, और क्या क्या है उसमें बेसिकली यही सब चीज़ें हैं, उसके बाद वो वाला जो एक पार्ट होता है कि एक वायर में करंट है, मैंने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से घुमा दिया, तो उसमें थ्योरी थ्योरी पार्ट में बता रही हो, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, तो वो तुम लोग अपना रूल वूल लगा के निकाल लोगे, ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाए अर्थ मैग्नेटिज्म में, तो अर्थ मैग्नेटिज्म में बी और एच का जो रिलेशन है, उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म में ससेप्टेबिलिटी है काई, उसके जो काई के साथ अगर तुम काई शुरू करोगे बी और एच के साथ तो कम से कम 4-5 फॉर्मूलाज निकल के आएंगे, उसमें म्यू नॉट है उसमें म्यू है उसमें एच है बी है ये सारी चीजें, और काई है नहीं, बहुत सारी चीजें बची जैसे सारे फॉर्मूलाज नहीं पढ़ने हैं, फिर रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला पढ़ लिया ठीक है, और किसी के लिए बहुत टफ नहीं जाएंगे, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ अगर वायर वाला ही फॉर्मूला है तो 2-3 फॉर्मूलाज है, एक इनफाइनाइट के लिए, एक फाइनाइट के लिए और एक सेमी इनफाइनाइट के लिए, तो हमसे अगर पूछेगा ना तो इनफाइनाइट के लिए पूछेगा, ये सबसे इजीएस्ट है ठीक है, इनफाइनाइट के लिए इजी हो जाएगा, क्या होता है इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 R, ठीक है ऐसा ही ठीक है, मतलब क्या हो रहा है ये सब, कहाँ से मैग्नेटिज्म आ गया, वापस चलो फिजिक्स की क्लास खत्म, दिस ऑल्सो नीड टू बी, चलो हम क्या कर रहे थे, हाँ मैं एक बार फोटो दिखाने आई थी बस तुम लोगों को, फोटो दिखा दूँ मेरा बड़ा मन कर रहा था, ठीक है वायर हैं तो एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं, एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल ये कौन की क्या है, नीम नीम, और इसका एग्जाम्पल एक है सिल्क कॉटन, बहुत एग्जाम्पल है इसके, लेकिन थैंक्स टू एनसीईआरटी इसमें चाइना रोज नहीं, ये याद हो जाएगा क्योंकि पिनेटली कंपाउंड देखा है ये लीफ ठीक है, इसको भी देखा है क्या, मेरे ख्याल से एस्टोनिया ऐसी ही होती है ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे याद रखना, इसके एग्जाम्पल में एस्टोनिया चला जाएगा, वैसे लिखना मत अभी, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ वही तो मुझे लगा छूट गया, ये देखो ये रही नीम और ये सिल्क कॉटन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सप्त नहीं है ये, हाँ मतलब ऐसे जोड़ रही थी ठीक है, ये रही नीम, ये जो कॉमन एक्सिस प्रेजेंट है क्या है राचिस, ये छोटे छोटे क्या है लीफलेट्स, और ये क्या है ये भी लीफलेट्स है कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं, और ये क्या है पीजीओ ठीक है, उसके बाद वो सब तुम लोग को पता ही है, एक छोटा सा पॉइंट है जल्दी से पढ़ लेते हैं, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ऑलमोस्ट सारा मेन मेन मॉडिफिकेशन उन्होंने पढ़ लिया है, खाने वाला मॉडिफिकेशन बचा है और एक और मॉडिफिकेशन बचा है, खत्म करते हैं, सबसे पहला मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए दैट इज खाना, ये काम करते हैं उसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं, नहीं पहले खाने ही पड़ते हैं, खाने में तो खास सीक्वेंस लिखो, फॉर फूड स्टोरेज क्या है एग्जांपल, बिल्कुल अनियन और गार्लिक, जो हम लोग प्याज खाते हैं जो हम लहसुन खाते हैं वो क्या है वो लीव्स हैं,
ठीक है, दे आर फ्लैशी लीव्स, लिखो फ्लैशी लीव्स मॉडिफाइड एंड स्टोर फूड, स्टोर फूड इन अनियन एंड गार्लिक। वो जो हम लोग प्याज तोड़ते हैं ना, वो सारा वो सब लीफ का मॉडिफिकेशन है, लीफ है जिसमें खाना भर गया है। फॉर फूड स्टोरेज के बाद, और दूसरा आ जाएगा फॉर सपोर्ट, फॉर क्लाइंबिंग, फॉर प्रोटेक्शन, सेम चीज जो वहां चली थी, कहां पे? स्टेम में। ठीक है, बिल्कुल, जैसे स्टेम के टेंड्रिल्स भी होते हैं कि स्टेम भी टेंड्रिल्स बना लिए, और लीफ के टेंड्रिल्स भी होते हैं कि लीफ ने बना लिया, सिमिलरली थॉर्न्स के साथ भी है। तो दूसरा है फॉर क्लाइंबिंग, या फिर फॉर सपोर्ट। अब टेंड्रिल है तो क्लाइंबिंग के लिए हेल्प करेगा, सपोर्ट के लिए हेल्प करेगा, या फिर थॉर्न्स भी हम इसी में पढ़ते हैं, तो फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले की तरह ही दो चीजें पढ़ेंगे, एक लीफ टेंड्रिल्स और दूसरा लीफ थॉर्न्स। तो पहली चीज है लीफ टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स का एग्जांपल याद है क्या है? गॉर्ज और ग्रेप वाइन। लीफ टेंड्रिल का एक ही एग्जांपल याद करना है, दैट इज पी, मटर। मटर में लीफ टेंड्रिल पाए जाते हैं और वाटरमेलन में स्टेम टेंड्रिल पाए जाते हैं। ठीक है, लीफ टेंड्रिल के बाद दूसरी चीज जो कि प्रोटेक्शन के लिए है वो क्या है? लीफ स्पाइंस। जब लीव्स कांटे में बदल जाती है, अभी हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा अपंचिया या फिर कैक्टस, यहाँ पे आप लिखोगे कैक्टाई या कैक्टस। जो कैक्टस का प्लांट है उसमें जो कांटे निकले हुए लीफ का मॉडिफिकेशन। ठीक, क्लाइंबिंग सपोर्ट प्रोटेक्शन, इतना दिमाग में कॉमन सेंस रखोगे ना, ये प्रोटेक्शन के लिए नहीं यूज हो रहा है, प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली यही है। ठीक है, फूड स्टोरेज हो गया, क्लाइंबिंग सपोर्ट हो गया, और एक चीज और है फॉर एनीवन, ऑस्ट्रेलिया केशिया डन है, वो तो लीव का ही मॉडिफिकेशन, लेकिन वो पर्टिकुलरली पीटीओल का था तो हमने पीटीओल में पढ़ लिया। एक चीज बची फॉर ट्रैपिंग ऑफ प्रे, एक और मॉडिफिकेशन छोटा सा दिया है एनसीईआरटी में, दो एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो वो भी एक मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफाई कर जाती है फॉर ट्रैपिंग ऑफ प्रे। देयर आर सम इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब जो इंसेक्ट खाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट खाने वाले प्लांट है, उनकी लीफ ऐसी मॉडिफाई हो गई जैसे इंसेक्ट उस पर बैठता है उसको पकड़ लेते हैं, और कुछ उनके पास प्लांट एंजाइम्स होते हैं उनसे डाइजेस्ट करके उसको खा लेते हैं। तो लिखो इन सम प्लांट्स, इन देयर आर सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अच्छा मैं लगवा देती हूँ, ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इट्स इंसेक्ट, देयर आर सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन विच द लीफ आर, द लीव्स आर मॉडिफाइड, लीफ मॉडिफाई हो गई है, और एग्जाम्पल क्या है इनके? दो एग्जाम्पल हैं, क्या है रोशन? पिचर प्लांट और दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप, अभी फिर से निकाल देती हूँ।
ये देखो, ये लीफ टेंड्रिल है जो कि पी में है, और ये क्या है, लीफ स्पाइंस है जो कैक्टस में है, और ये अनियन है, फ्लैशी लीव्स और अनियन, ये तीनों मॉडिफिकेशन है, याद रखो। ये 8th वाला क्वेश्चन हमें करना था, जल्दी बता दो खुशी, खुशी आंसर बताओ इसका। फिलोटैक्सिस सेकंड, सही जवाब। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लीफ इज फिनिश्ड, लिखो इनफ्लोरेसेंस। क्या होता है इनफ्लोरेसेंस? हाँ वो टाइप्स हैं, क्या होता है, क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। यस बिल्कुल, कभी कभी इनफ्लोरेसेंस के लिए किताब एक टर्म यूज करती है, उसको हम कहते हैं एंथोटैक्सी, ये तुमको कहीं नहीं मिलेगा नेट में, लेकिन ऐसे कुछ कुछ जानते हुए चलना चाहिए। देखो अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर बेसिकली, ये जो बड़ा सा टर्म लिखा है फ्लोरल एक्सिस, मतलब यही समझो कि जो फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स गुच्छे में होते हैं, ठीक है, बहुत ऐसा होता है कि ये हमारा प्लांट है और यहाँ पे टर्मिनेट हो गया फ्लावर और खत्म, इसके आगे कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो इसी को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। अब किस तरह का अरेंजमेंट है, दो तरीके का हो सकता है, रेसिमोस साइमोस, ये पढ़ेंगे। फिलहाल द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज, ठीक है। उसके बाद देखो, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, दूसरा पॉइंट, या पहला इसको डाल लो, अ फ्लावर, ये फ्लावर होता क्या है, कहाँ से बना है, तो जो शूट थी, जो स्टेम थी, उसी का मॉडिफिकेशन होता है फ्लावर। द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट शूट कहाँ से बनी थी, स्टेम कहाँ से बनती थी ओरिजिनली, कौन सा मेरे स्टेम से बनती होगी, स्टेम वो भी शूट से ही बनती होगी, बिल्कुल। तो फ्लावर अगर मॉडिफाइड शूट है, तो इस केस में जो शूट एपिकल मेरिस्टम होगा वो फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाता है, समझ रहे हो बात को। शूट एपिकल मेरिस्टम अगर फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो गया तो वो फ्लावर बना देगा, और शूट एपिकल मेरिस्टम क्या क्या बना सकता है, वो स्टेम भी बना देता है, लीव भी बना देता है, ठीक है। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट एंड द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, ये मेरिस्टम जो होते हैं बहुत इनिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वो मेरिस्टम आगे जाके लीव भी बना सकते हैं, स्टेम भी बना सकते हैं, और अगर कुछ मेरिस्टम्स कहीं पे डिवाइड नहीं कर पाते, अनडिवाइडेड हो जाते, कंपैक्ट हो जाते, तो क्या कह देते हैं उनको, बड, वो बड बना लेते हैं, जो भी होगा वहीं से होगा भाई। एक हमारा ग्रोथ हो रहा है प्लांट का, एक ऊपर वाली ग्रोथ हो रही है, एक नीचे हो रही है, नीचे की कहानी अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं उतनी। ऊपर अगर ग्रोथ हो रही, तो ऊपर अगर ग्रोथ हो रही तो ऊपर बहुत सारी चीजें बनेंगी ना, लीव भी बनेगी, स्टेम भी बनेगी, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस भी बनेगा, तो सब लोग आपस में डिविजन ऑफ लेबर कर लेते कि भाई ये वाला पार्ट ये बन गया, ये वाला ये। अब जिसने फ्लावर बना दिया वो फ्लोरल मेरिस्टम हो गया, बाकी शूट एपिकल हो गया, ऐसे ही करके सारी काम डिवाइड हो जाता है। अगर फ्लावर बन रहा है तो जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो किस में चेंज हो गई होगी, फ्लोरल मेरिस्टम में, ठीक। एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में जो थोड़ी कॉमन चेंज की है, लेकिन लिख लो, लिखो व्हेन अ शूट एपिकल मेरिस्टम, कभी कभी शूट एपिकल मेरिस्टम ना डायरेक्ट एक फूल में चेंज हो जाता है, और अगर ऐसा होगा तो वो फूल हमेशा इकलौता सॉलिटरी होगा अकेले। यही एक लाइन लिखी है कि व्हेन शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस
changes into flower. It is always solitary. ये लाइन याद रखना बस. ठीक है, टाइप करना है डालो टाइप्स ऑफ, या फिर ये लिखो कि किस बेसिस पे हम टाइप को क्लासिफाई कर रहे हैं. तो लिखो डिपेंडिंग ऑन वेदर द शूट ट्रांसफॉर्म्स इंटू अ फ्लावर. Or it continues to grow. There are two types of inflorescence. कौन कौन से दोनों से? रेसिमोस और साइमोस. पहले इसको समझते हैं उसके बाद फिर पढ़ेंगे. जो तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट है दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. ठीक है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो आगे जाके शूट टिप बनाएगा, और शूट टिप अगर फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो वो हमेशा इकलौता होता है, ये बात लिखी हुई है. अब देखो, तुम लोगों ने बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सारे पेड़ देखे होंगे. बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें तुम्हें एंड पे ऊपर एक फूल दिखता है या साइड में इस एंड पे एक फूल दिखता है. ये पहला टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस हो जाता है जिसमें शूट टिप क्या होती है पूरी फ्लावर में चेंज हो गए. ठीक है, एक बात ये, एक तरीके के लोग तुमको ये दिखेंगे. उसके बाद एक ऐसा भी दिखेगा कि ये कंटिन्यू करता है, ग्रो करता रहता है, छोटे छोटे बड दिखेंगे, पूरा ग्रो करता रहता है. तुलसी देखो तुम, तुलसी में तुमको कभी भी ऊपर ग्रोथ रुकी हुई नहीं दिखेगी. ठीक है, क्या होता है उसमें, वो छोटे छोटे तुमको बड दिखते रहेंगे, छोटे छोटे लीव दिखते रहेंगे और ऊपर ग्रो करता रहेगा. ठीक है, अगर उसमें फ्लावर होता है, जैसे फ्लावर होता भी है उसमें, रूट होता भी है उसमें, छोटा छोटा तुमने देखा होगा फ्रूट होता है उसका. ठीक है, तो उसमें फ्रूट कभी ऊपर नहीं होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, उन फ्लावर्स में या इस तरह के पेड़ में ये वाली एक्सिस ग्रो करती रहती है. जैसे यहाँ ये टर्मिनेट हो गई, जैसे रोज, ठीक है, ऊपर जाके वो टर्मिनेट हो जाता है, बहुत एक लिमिट तक वो ऊपर जाता है. ठीक, अगर ये जाके यहाँ पे सीज हो गया, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो इसी तरह के हम लोग इनफ्लोरेसेंस को साइमोस बोल देते हैं. और मैंने ऐसे याद रखा था कि अगर ये बढ़ता रहता है, मतलब इनमें रेस लगी रहती है, तो ये क्या क्या कैसे होते हैं, रेसिमोस. ठीक है, और यहाँ पे फ्लावर्स कैसे, इधर इधर गुच्छे में तुम्हें साइड साइड में फ्लावर्स दिखेंगे. ठीक, तो इसी बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया, ये रेसिमोस जिनमें रेस लगी रहती है ऊपर की तरफ, कि शूट कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है फ्लावर में, ग्रोथ होती रहती है. और जो ऑपोजिट है, जिसमें शूट ऑलवेज ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर और जो भी ग्रोथ होती है वो नीचे की तरफ होती है, तो उसको क्या कहते हैं, साइमोस. टाइप्स ऑफ वो तो लिख ही लिया हम लोगों ने, बाकी इसको कल करेंगे, अभी के लिए पेपर समाप्त. चलो रिविजन कर लेते हैं. कहाँ से शुरू किया था सर, क्वेश्चन के बाद? वेनेशन से. ठीक है, वेनेशन क्या होता है पता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड मिलियंस ऑन द लैमिना इज कॉल्ड एज वेनेशन. दो तरह के वेनेशन है, रेटिकुलेट और पैलल. रेटिकुलेट डाइकॉट्स, और इधर डाइकॉट्स में क्या होता है, नेटवर्क बना रहता है. ठीक है, एक नेटवर्क बना लिया, एक वेब बना लिया, और इधर क्या होता है, पैरेलल टू द मिडरिब. ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, वो वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्या था, क्या था, फिलोटैक्सी. अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम इज कॉल्ड एज फिलोटैक्सी. तीन तरह की फिलोटैक्सी, ऑल्टरनेट, एक ही नोट पे एक ही लीव्स रहेगी और ऑल्टरनेट मैनर में ये आगे बढ़ते रहेंगे. एग्जाम्पल CMS, ठीक है, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर. ऑपोजिट में क्या होगा, एक ही नोट पे इधर इधर दो लीव्स रहेंगी. एग्जाम्पल दो है इसका, गुआवा और कैलोट्रॉपिस. उसके बाद वर्ल्ड फिलोटैक्सी, जिसके बारे में उन्होंने खोज भी कर ली कि एल्स्टोनिया में होता है. कहाँ पाया जाता है, एल्स्टोनिया पार्क में. ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्ल होता है और मोर देन टू लीव्स ऑन वन नोट आर प्रेजेंट. उसके बाद क्या पढ़ा आपने, यही आया था, टाइप्स ऑफ लीफ.
टाइप ऑफ लीफ दो तरह की होती है, ऑन द बेस्ड ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर इंसिजन है लीफ में तो मिडरिप को टच कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा है, इंसिजन हो या ना हो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर टच नहीं कर रहा है मिडरिप को तो क्या है, सिंपल लीफ। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बाकी हमने मैंगो, रोज, ठीक है, फाइकस, बहुत सारे हो सकते हैं ये लिखा। कंपाउंड में क्या होगा कि वो जो इंसिजन होंगे वो मिडरिप को टच करेंगे और उस केस में मिडरिप क्या कहलाएगी, राचिस। कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ दोनों में ही बड पाई जा सकती है एक्सेल में, लेकिन उनके लीफलेट्स में कभी भी बड नहीं पाई जाएगी। कंपाउंड लीफ जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक पिनेटली कंपाउंड और एक पामेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड ऐसी ही दिखती है, ठीक है, एग्जाम्पल सिल्क कॉटन, और इधर पिनेटली कंपाउंड में राचिस कहाँ एबसेंट है, यहाँ पे, यहाँ राचिस नहीं है। सारे जो लीव्स हैं, लीफलेट्स हैं, सॉरी, वो एक कॉमन पॉइंट पर अटैच है, किस पे, पेटियोल पे। फिर क्या पढ़ा, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मॉडिफिकेशन अगर फूड स्टोरेज के लिए होता है, कहाँ कहाँ पे है, अनियन और गार्लिक, फ्लैशी लीव्स होती है उनमें वो खाना स्टोर करते हैं। उसके बाद सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग है सपोर्ट के लिए। पहला पढ़ा लीफ टेंडल्स जिसका एग्जाम्पल है पी, ठीक है, और फिर हमने पढ़ा लीफ थॉर्न्स या लीफ स्पाइंस, ये कहाँ प्रेजेंट है, कैक्टस में। और क्या, हाँ, ट्रैपिंग ऑफ प्रे, ट्रैपिंग ऑफ प्रे के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट है दो, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट, ये पढ़ा। फिर आया इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमने जनरल चीजें पढ़ी कि इन्फ्लोरेसेंस है क्या, उसके एंथोटैक्सी भी कह सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट, ऑन द स्टेम, ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी ऊपर जब भी ग्रोथ हो रही है हमारी प्लिम्यूल से स्टेम की तरफ, तो वो स्टेम बहुत सारी चीजें कर सकता है, वो ब्रांच बनाएगा, वो स्टेम बनाएगा, वो लीव बनाएगा, वो फ्रूट बनाएगा, मतलब फ्लावर बनाएगा। तो इस केस में क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, और फिर वो आगे जाके फ्लावर बनाती है। ये फ्लावर का अरेंजमेंट भी दो तरीके हो सकता है, अगर जो एक्सिस है वो टर्मिनेट नहीं कर रही और बढ़ती जा रही है तो रेस लग रही है आपस में, ये क्या है, रेसिमोज, और ऑपोजिट वाला जिसमें टर्मिनेट हो जा रहा है एक फ्लावर में, वो साइमोज। बाकी आगे जो है वो सारी चीजें कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए है ना, वो वाला 1 2 3 4, हाँ यार 7 है, सप्त, ये देखो ये साइमोज है, यहाँ पे जो लास्ट वाली एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो गई है, और यहाँ पे क्या है, ये पूरी ग्रो करती जाए। ये वाला फ्लावर देखा है हम लोगों ने रोड के किनारे रेलवे क्वार्टर्स के पास, बहुत अच्छा फूल होता है ये, तो ये ग्रो करता जाएगा, रुकेगा नहीं एक्सिस, ठीक है। तो ये रेसिमोज हो गया और ये साइमोज। बाकी कल मिलते हैं कुछ चुटकुलों के साथ। गुड बाय।